हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, विच आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सब शेल। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड। तो फर्स्ट टू ग्रुप्स एस ब्लॉक्स, ये लास्ट सिक्स पी ब्लॉक्स, ये इंटरमीडिएट डी ब्लॉक्स, और ये जो नीचे दो लाइंस में जो एलिमेंट्स हैं दीज बिलोंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबशेल। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज एन माइनस टू एफ 1 to 14, एन माइनस वन डी 0 to 1 एंड एन एस 2। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन के एस में दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, उसके बाद डी के सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ में एंटर करते हैं क्योंकि एफ की एनर्जी डी से कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास 14 एलिमेंट्स, क्योंकि एफ में हम 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो 14 एलिमेंट्स हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करेंगे। और दो सीरीज है हमारे पास, फर्स्ट सीरीज को हम 4F सीरीज कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4F सबशेल में एंटर करता है, और सेकेंड सीरीज है 5F, इसमें इलेक्ट्रॉन 5F में एंटर करता है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 4F में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6s के बाद 5d में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ये लैंथनम है। एक्चुअली इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो f से सिमिलर होती हैं, और जितनी भी f की एलिमेंट्स, ये 4f वाली एलिमेंट्स हैं, वो लैंथनम के बाद आती हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स का नाम इसके नाम पर लैंथनॉइड्स या लैंथनाइड्स रखा गया है। तो लैंथनम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसे भी लैंथनाइड्स के साथ हम अटैच करके यहाँ शो कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इनकी स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट एलिमेंट सीरियम 58, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी दैट ऑफ ज़ेनॉन 54 एंड 6s टू 56 एंड 4f टू 58। इसी तरह प्रेजियोडिमियम में 59 में ज़ेनॉन 4f3 6s2, नियोडिमियम 4f4, प्रोमिथियम 4F5, सामेरियम 4F6, यूरोपियम 4F7। अब गैडोलिनियम में, क्योंकि 4F7 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करता है ताकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को ये एंजॉय कर सके। टर्बियम 4F9, डिस्क्रोजियम 4F10, हॉलमियम 4F11, अर्बियम 4F12, थोलियम 4F13, यूटर्बियम 4F14 एंड लुटिशियम 4F14, 5D1 एंड 6S2। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली द एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंगली। दिस विल कवर इन एक्टिनॉइड्स। अब लैंथनॉइड्स जो हैं और एक्टिनॉइड्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेटली स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल कवर आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एटॉमिक एंड आयनिक साइज़। सो वी हैव प्लेस्ड द एलिमेंट्स ऑफ 4F ग्रुप लैंथनॉइड्स ओवर हियर एंड ऑल्सो रिटन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथनाइड 3+। एटॉमिक रेडियस में इरेगुलरिटी होती है एटम्स में, लेकिन आयनिक रेडियस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसकी जो रेडियस है वो रेगुलरली डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल आयनिक रेडियस 103, देन प्रेजियोडिमियम 101,
नियोडिमियम 99, प्रोमिथियम 98, सामेरियम 96, यूरोपियम 95, गैडोलिनियम 94, टर्बियम 92, डिस्प्रोजियम इज 91, हॉलमियम इज 89, अर्बियम 88, थोलियम 87, यूटर्बियम 86. एंड एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दिस सीरीज द साइज इज डिक्रीजिंग, ऑल्दो द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल इन नेचर, just about 18 picometers, but this decrease is called lanthanoid contraction. So in lanthanoid series, with increasing atomic number, the atomic and ionic size decrease from one element to another. The decrease is very small. This steady decrease in atomic and ionic sizes of lanthanoid elements with increasing atomic number is called lanthanoid contraction. Cause of lanthanide contraction, this is a graph of ionic radius versus atomic number. You can see that there is a steady decrease. The reason is, as we move from one element to another, nuclear charge increases. New electrons are added to the same inner 4F subshells. लेकिन जो 4F के electrons हैं, वो इतने अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज से एक दूसरे को शील्ड नहीं करते हैं, जिस क्योंकि इनका शेप बहुत डिफ्यूज्ड होता है, बहुत फैला हुआ होता है, तो अच्छे से डिफ्यूज नहीं शील्ड नहीं कर पाते हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज ने डिक्रीज करना है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है. तो 4F इलेक्ट्रॉन शेल जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, और सभी कॉन्ट्रैक्शंस को मिलाकर अगर हम देखें तो लैंथेनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है जो कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नंबर वन, रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था कि सीरीज की जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साइज और सेकेंड के साइज में डिफरेंस है, लेकिन सेकेंड और थर्ड का साइज जो है वो रिलेटिवली बहुत क्लोज है, रिजेंबल करता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल करती हैं. उसका रीजन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है. आप कंपेयर कर सकते हैं, ग्रुप थ्री में जब तक लैंथेनॉइड्स नहीं आए थे, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट 3D सीरीज की फर्स्ट एलिमेंट 164 पिकोमीटर रेडियस है, सेकेंड सीरीज की 180 और थर्ड की 187. तो यहाँ आप डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स में कंट्रैक्शन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज कर जाता है. इसकी वजह से ग्रुप 4 की फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में तो रेडियस का डिफरेंस है, 147 और 160 बढ़ रही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड एलिमेंट में बढ़ने की बजाय रेडियस उल्टा डिक्रीज हो गई है. दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. तो साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सो प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सिमिलरली ग्रुप 5 में 3D सीरीज की जो एलिमेंट वेनेडियम है 135 पिकोमीटर, नियोबियम 146, और थर्ड की बढ़ना चाहिए था, लेकिन टैंटलम की जो रेडियस है दैट इज 146 पिकोमीटर, विच इज ऑलमोस्ट which is similar to that of niobium. So after lanthanoids, increase in radii from second to third transition series almost vanishes. तो एक consequence तो ये है कि second और third का size और properties almost similar हो जाती है. Next consequence, similarity among lanthanoids. इनका radius decrease कर रहा है लेकिन बहुत small decrease है, almost सिमिलर रेडियस है, इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है. बेसिसिटी डिफरेंस, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज करता है तो साइज छोटा होता है और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है. इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है. लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, वो सबसे पहले है, और लुटिशियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे लास्ट में है वो सबसे कम बेसिक होगा. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन.